और अब बात महाराष्ट्र की, जहां आज सियासत गर्म होने वाली है क्योंकि आज महाराष्ट्र की निगाहें दो बड़ी खबरों पर रहेंगी। एक तरफ आज अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत याचिका पर फैसला आना है, तो वहीं राज ठाकरे के अल्टीमेटम और औरंगाबाद में हुई उनकी रैली ने महाराष्ट्र का सियासी पारा भी बढ़ा दिया है। राज ठाकरे ने कल औरंगाबाद में बड़ी रैली की और इसी रैली के दौरान राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया कि वो 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने का इंतजार करेंगे और अगर उद्धव सरकार लाउडस्पीकर नहीं उतारती है तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। महाराष्ट्र में राज ठाकरे के विरोधियों ने इसे माहौल खराब करने की साजिश करार दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राज ठाकरे की कल की रैली की ये तस्वीरें हैं। राज ठाकरे का अल्टीमेटम एक बार फिर लाउडस्पीकर को लेकर, अगर अब लाउडस्पीकर्स नहीं उतारे गए, यानी 3 तारीख की ईद और 4 तारीख से वो कह रहे हैं कि लाउडस्पीकर की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए और यदि अपनी तय सीमा से ऊपर लाउडस्पीकर की आवाज सुनाई देगी तो फिर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद को लेकर ठाकरे वर्सेस ठाकरे की जंग अब एक नया मोड़ ले रही है। औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली कल हुई थी लेकिन इस बीच पुलिस ने रैली में शामिल एमएनएस कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी कर दिया और बताया जा रहा है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में ले सकती है। राज ठाकरे को 16 शर्तों के साथ इजाजत दी गई थी और अब पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि क्या सभी शर्तों का रैली के दौरान पालन हुआ। पुलिस राज ठाकरे की स्पीच का भी पूरा टेप सुनेगी। अगर कोई भी शर्त का उल्लंघन पाया गया तो रैली के आयोजकों पर भी पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। 3 तारखेला ईद है, त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष कालवायचं नाही, 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाउडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाज आले तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। ये राज ठाकरे का अल्टीमेटम है उद्धव ठाकरे की सरकार और उद्धव ठाकरे के सहयोगियों को। औरंगाबाद की रैली में भीड़ से गदगद राज ठाकरे ने पूरे भाषण के दौरान उद्धव ठाकरे और उनकी नीतियों पर हमला किया, कभी इतिहास के बहाने तो कभी वर्तमान के नाम पर। अपने भाषण के आखिरी हिस्से में राज ठाकरे लाउड स्पीकर पर आए, उद्धव ठाकरे को योगी आदित्यनाथ से सीख लेने की नसीहत दी और अपनी चेतावनी भी दोहरा दी। 4 तारखेपासून ऐकणार नाही, हा सामाजिक विषय आहे, हा धार्मिक विषय नव्हे, आणि लाउडस्पीकर या विषयाला जर समजा तुम्ही धार्मिक वळण देणार असाल तर त्याचं उत्तर आम्हाला धर्मानेच द्यावं लागेल, एवढं पण तुम्ही लक्षात ठेवावं। आमची इच्छा नसताना आम्हाला टोकाची भूमिका घ्यायला लावू नका, महाराष्ट्रामधली शांतता आम्हाला बिघडवायची नाही, इच्छाही नाही, गरजही नाही, परंतु जर समजा उत्तर प्रदेशमध्ये जर समजा लाउडस्पीकर जर उतरवले जाऊ शकतात तर माझ्या महाराष्ट्रात का नाही उतरवले जाऊ शकत। तमाम हिंदू बांधवांना भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाउडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाज आले तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। रस्त्यावरती येऊन तुम्ही नमाज पढताय, कोणी अधिकार दिले तुम्हाला? जे काय पठण करायचं असेल ते मशिदीच्या आत। राज ठाकरे जानते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार भले ही उद्धव ठाकरे की हो लेकिन शरद पवार इस सरकार के चाणक्य हैं। लोकसभा में सुप्रिया सुले के एक भाषण का हवाला देकर पहले शरद पवार को नास्तिक ठहराया, उसके बाद जातिवाद का जहर घोलने का आरोप भी लगा दिया। खड़बड़ा लगले, शरद पवार सांगत आहेत की 2 समाजामधला मणे हे दुई माजवतायत, हे महाराष्ट्र आणि देशासाठी मणे योग्य नव्हे,
मी तो वाजवतोय ओवा साहेब आपण जाती जाती मध्ये जे भेद निर्माण करताय ना त्याने तुम्ही मास्ती आहे प्रत्येक व्यक्ति जातीत न बघायची हातामध्ये पुस्तक घेतल्यानंतर पुस्तकाचा लेखक कोणत्या जातीचा आहे त्याचा विचार करून बोलायचं। इधर औरंगाबाद की विशाल रैली में राज ठाकरे हनुमान का नाम लेकर जोश भर रहे थे तो उसी वक्त मुंबई में देवेंद्र फडणवीस भी आवाज उठा रहे थे, वहां भी केंद्र में हनुमान ही थे। छोटा सा सवाल है, हनुमान चालीसा म्हटल्याने रामाचं राज्य उलथवलं जाईल की रावणाचं राज्य उलथवलं जाईल? हनुमान चालीसा म्हटल्याने कोणाचं राज्य उलथवलं जाईल? गदाधारी हिंदुत्व, घंटाधारी हिंदुत्व, आणि मग तुम्ही असं म्हणालात की उद्धवजी तुम्ही गदाधारी आहात। राज ठाकरे ने औरंगाबाद की रैली में शरद पवार पर निशाना साधा तो एनसीपी के नेता भड़क उठे। शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सौहार्द का अल्टीमेटम अगर राज ठाकरे जी ने दिया होता तो उसे हम स्वीकार करते, लेकिन राज ठाकरे जी तो भारतीय जनता पार्टी की लाइन बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा डायरेक्शन देगी उस प्रकार से कठपुतली की तरह राज ठाकरे जी नाच रहे हैं, इसीलिए उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि महाराष्ट्र के विकास की, महाराष्ट्र के लोगों के रोजगार की, महाराष्ट्र के शिक्षा, लोगों के शिक्षा की और सामाजिक और धार्मिक सौहार्द की वो बात करें। पवार साहब के ऊपर टीका टिप्पणी करके खुद को बड़ा नेता दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पवार साहब जी के जैसे अगर उनकी कृति होती तो शायद उनका गौरव भी वैसे होता, लेकिन पवार साहब के नाखून इतना भी काम राज ठाकरे जी नहीं कर पाए ये वस्तुस्थिति। रैली के निशाने पर लाउडस्पीकर था और चेतावनी 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर के उतारने की भी है, लेकिन ओवैसी को राज ठाकरे की इस मुहिम के पीछे केवल 2 भाइयों का झगड़ा नजर आ रहा है। 2 भाइयों का झगड़ा है, वो मेरे क्या करना है उसमें? हमारा बोलना इतना है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर सुप्रीम है, पीस को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। हमारा मानना यह है, हमारा डिमांड यह है कि आप अगर किसी को परमिशन देते हैं तो आपको ये देखना जरूरी है कि जहां भी आप परमिशन दे रहे हैं वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कोई ब्रीच ऑफ पीस ना हो। ओवैसी की ही भाषा आम आदमी पार्टी भी बोल रही है। पार्टी के नेता राज ठाकरे के भाषण को महाराष्ट्र की शांति भंग करने वाला बता रहे हैं। औरंगाबाद में राज ठाकरे ने कहा है कि अगर 4 तारीख को लाउडस्पीकर बंद नहीं हुए मस्जिदों में तो वो हनुमान चालीसा बजाएंगे। मुझे लगता है ये एक डायरेक्ट धमकी है, हमारे महाराष्ट्र स्टेट की शांति भंग करने का प्रयत्न है, इंसाइट करने का प्रयत्न है कि यहाँ पे वायलेंस हो, यहाँ पे 2 समुदाय एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं। वो कहते हैं कि सोशल इशू है, अगर सोशल इशू है तो उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि वो मस्जिदों के सामने ढोल बजाएंगे, हनुमान चालीसा गाएंगे, ये कह के उन्होंने इसको एक रिलीजियस इशू बनाया है। आज महाराष्ट्र में जहां राज ठाकरे के अल्टीमेटम को लेकर सियासत गर्म रहने वाली है, वहीं सबकी नजरें उद्धव ठाकरे के घर पर हनुमान चालीसा के पाठ की चुनौती को लेकर जेल में बंद नवनीत और रवि राणा की जमानत पर आने वाले फैसले पर भी हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।